हेलो सीआईडी, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। क्या? मेरी मदद करो, खून हुआ है। खून? कहाँ पे खून हुआ है? आप कौन बोल रही? हेलो कमाल है, कह रही है खून हुआ है, लेकिन सिर्फ बेल जा रही है। ट्राई करते रहो, देखो लड़की से बात होती है क्या। सर एक लड़की का फोन आया था, कह रही थी खून हो गया है। मोबाइल नंबर से कॉल किया और नाम आपको बताया नहीं। कहाँ हुआ ये खून? जगह बताने से पहले ही फोन कट गया, अब वो फोन नहीं उठा रही है। जब बताने ही नहीं तो तुमने फोन क्यों किया? सर हो सकता है इस लड़की की जान खतरे में, इससे पहले क्यों कुछ बता पाती खून ही उसके पास पहुंच गया हो या फिर उसने अटैक कर दिया। ऐसा लगता तो नहीं है, कोई चीखने चिल्लाने की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ी। देख काम करो, टेलीफोन कंपनी से इस नंबर के बारे में पता लगा। हेलो मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हाँ जी, मुझे एक मोबाइल नंबर का एड्रेस चाहिए। नंबर है 1438726 09। हाँ ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। हाँ जी बोलिए। मिस्टर अजय कुमार, और एड्रेस क्या है? रॉयल बिल्डिंग, सातवां माला, फ्लैट नंबर 701। आवाज सुन के तो लग रहा है अंदर पार्टी चल रही है। हाँ वॉचमैन से पूछ के देखते हैं। अब किन से मिलना साहब? अजय से, फ्लैट नंबर 701 में वही रहता ना? हाँ वही रहते हैं, मगर आप लोग कौन है? सीआईडी। इतनी रात गए सीआईडी यहाँ पे? अब क्या बात है साहब, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ साहब यहाँ पर तो सब ठीक ठाक है, बिल्डिंग में पार्टी चल रही है और सभी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। चलो जरा इस अजय साहब से मिला। जी सर आइए। ये पार्टी किस खुशी में? जी विपुल साहब की शादी की सालगिरह है सर। अच्छा सर, बो रहे हैं अजय साहब। बुलाओ ने। जी सर। सर सीआईडी वाले आपको पूछ रहे हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, क्या बात है सर? एक्सक्यूज मी मिस्टर अजय, किसी लड़के ने तुम्हारे मोबाइल फोन से हमें कॉल किया था, कह रहे थे कि यहाँ पे किसी का खून हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर, भला मेरे फोन से कोई लड़की सीआईडी को फोन क्यों करेगी? जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मतलब हम लोग बिना वजह हमारा दिमाग खपाने यहाँ पे आ गए? माफ करना सर, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारे का? वो कोई और अजय होंगे, आप गलती से इनके पास आ गए। हमने मोबाइल कंपनी से पता किया उस नंबर के बारे में, वो नंबर इन्हीं का है। मोबाइल दिखाओ। सर मेरा फोन मेरी बेटी सोनिया के पास है, डांस करने से पहले मैंने उसे दे दिया था। बुलाओ उसे। रघु। जी सर। जरा सोनिया को बुलाना। ठीक है। सोनिया आपके पापा बुला रहे हैं। पापा? ओके चलो गाइस कम। ये है मेरी बेटी सोनिया। सोनिया तुमने मेरे फोन से सीआईडी को फोन किया था क्या? जी नहीं पापा, बिना मतलब के मैं सीआईडी को फोन क्यों करूंगी। जरा अजय का मोबाइल फोन देना। जी
देखते हैं डायल नंबर्स में ब्यूरो का नंबर है या नहीं। ओह, नंबर डिलीट कर दिया है। जिस किसी ने भी ये फोन कॉल किया है सच सच बताओ वरना बहुत बुरा होगा। सर फोन इन लड़कियों में से ही किसी ने किया है मगर बताने से डर रहे हैं। शायद मजाक किया इन्होंने। मुझे लगता है बच्चों ने मजाक किया होगा और डर की वजह से बता नहीं रहे। मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है। कभी कभी तुम लोगों का ऐसा मजाक किसी मुसीबत में पड़े हुए आदमी को भारी पड़ सकता है, इसलिए आइंदा ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का मजाक मत करना। कचरे डिब्बा यहाँ किसने रखा है? लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? अरे जाने दो यार, बड़े लोगों को कौन समझाए हैं? यहाँ सफाई करने के बाद पीछे वाले गेट की भी कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चाकू के इतने सारे घाव, बड़ा अजीब खून है, काफी बेरहमी से मारा इसे। इतनी बार चाकू मारने का मौका कैसे मिला होगा खूनी को? चाकू की एक ही वार से ये चिकनी चिल्लाने लगा होगा। ऊपर से शराब की स्मेल आ रही है बॉडी में से। नहीं ऐसा तो नहीं कि इसका यहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ शराब पीने के बाद? सर आसपास का सारा एरिया चेक कर लिया है, कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, कहीं पे फोन वगैरह भी नहीं मिला? नहीं मिला सर। इसका मतलब मारा तो इसे यहीं पे है। सर वॉलेट में अभी भी बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब खून लूटने के इरादे से नहीं किया। बॉडी कार के बिल्कुल पास पड़ी है, ड्राइविंग सीट के सामने। इसका मतलब जैसे ही ये कार से बाहर निकला होगा इस पर किसी ने अटैक किया। आप लोग इस आदमी को जानते हैं? जी हाँ साहब, इसी बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा, क्या नाम क्या है इनका? विशेष। विशेष, और इनकी फैमिली वाले? सर वो विशेष की वाइफ है शीला और उनके दोनों बच्चे। ये? एक्सक्यूज मी। चलो बच्चों, घर चलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, कमाल, आदमी की जान चली गई और घर वालों को कुछ लेना देना ही नहीं। शीला जी से बात करनी पड़ेगी। शीला जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। आपको किसी पर शक है? किसने मारा होगा आपके पति को? जी मुझे किसी पर शक नहीं है। आपके पति रात से घर वापस नहीं आए, आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की, किसी से पूछा नहीं उनके बारे में? जी कई बार विशेष रात को घर नहीं आया करते थे, घर के बाहर ही रुक जाया करते थे वो रात। ऐसी कहाँ जाते थे आपको कुछ मालूम? नहीं, पापा हमेशा पापा हमेशा। हाँ बोलो बेटा,
पापा हमेशा हमेशा ऑफिस में ही रुक जाया करते थे। आप हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं? जी हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो खूनी को पकड़ने में वक्त लगेगा। जी अगर आपको वक्त लगता है तो लगाइए, जो करना है कीजिए। अच्छा ठीक है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। ये विशेष कितने बजे आया था बिल्डिंग में? जी 3:30 बजे आ गए थे सर। 3:30 बजे? 3:30 बजे के आसपास तो हम लोग भी आए थे यहाँ पे। जी विशेष साहब तो आप लोगों के आने से पहले आ गए थे। अच्छा हमारे जाने के बाद कोई बाहर का आदमी यहाँ आया था या कोई यहाँ का आदमी बाहर गया? नहीं सर। चीखने चिल्लाने की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी? सर म्यूजिक इतनी जोर से बज रहा था, अगर वो चीखे चिल्लाए होंगे तो भी पता नहीं चल सकता था। क्या हुआ पापा? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तुमको मालूम है कि यहाँ पे खून हुआ है, फिर क्यों आए तुम? और कल तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम्हारा भी। क्या कर रहे हो तुम लोग? जा, जाओ यहाँ से। अच्छा ये विशेष कैसे आदमी थे? सीधी मुंह वो किसी के साथ बात करता ही नहीं था और हमेशा सोसाइटी के बच्चों को डांटते रहते थे सर। किसी के साथ भी ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता था उनका। ठीक है अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। कहीं इस खून के तार घर से तो नहीं जुड़े हुए हैं? एक ही जगह पर 7 बार चाकू मारा गया है। 7 बार? कोई क्यों करेगा ऐसा? मतलब 7 बार क्यों मारेगा, यही कहना चाहते हैं ना? ये देखो ये पैटर्न देखो, यहाँ यहाँ इतनी बेतरतीब से चाकू घोंपा गया है, लगता है मारने वाले के दिल में जहर भरा था। और जहर भी इतना, चाकू मारते वक्त उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। इतनी जल्दी जल्दी हाथ चले उसके कि शायद इस बेचारे को तो गिरने तक का टाइम नहीं मिला। मतलब गिरते गिरते 7 बार चाकू मार दिया, और वो भी सर इतनी जल्दी। इस घरेलू चाकू से खून हुआ है इस आदमी का, जिससे आमतौर पर सब्जियां काटी जाती हैं। सर हम लोग खूनी के दिल में नफरत की बात कर रहे हैं, मगर बिल्डिंग के सभी लोग बता रहे थे कि ये तो किसी के साथ मिलता जुलता था ही नहीं, तो फिर ये सब। सर ये विशेष की बीवी बच्चों को कुछ मालूम है इस खून के बारे में, स्पेशली इसकी बेटी को। वो कुछ बताने जा रही थी, माँ ने मना कर दिया, बताने नहीं दे रही है। तो फिर इसकी बेटी से अलग से पूछो ना, मगर प्यार से। हाँ ऑफ कोर्स सर, आपको तो मालूम है कि हम लोग हमारी बच्चों से बहुत अच्छी दोस्ती है, क्यों पूर्वी? हाँ सर, हम लोग बच्चों को और बच्चे हमें बहुत प्यार देते हैं। मतलब मैं दुश्मन हूँ बच्चों का? चिंकी बेटा, हमें तुम्हारे डैडी के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। बेटा सुनो तो सही, तुम नहीं चाहती हो कि हम तुम्हारे डैडी के खूनी को ढूंढ निकालें? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम अपने डैडी से बहुत प्यार करती थी। चिंकी बेटा, तुम्हें जो कुछ भी मालूम है सब हमें बता दो। पापा की प्यारी बेटी हो ना? नहीं, मैं डैडी की प्यारी बेटी नहीं हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो हमेशा मुझे और मम्मी को मारते थे। क्या मारते थे? हाँ। क्यों क्यों मारते थे? मेनका आंटी की वजह से। मेनका आंटी को तुम जानती हो? हाँ देखा था उन्हें एक बार डैडी के ऑफिस के बाहर, मम्मी का और मेनका आंटी का झगड़ा हुआ था। मेनका आंटी कहाँ रहती है तुम्हें पता है? ये नहीं पता। ठीक है बेटा तुम जा सकती हो।
मुस्कुराओ। ओके। मेनका जी अंदर। वो सामने केविन में। उनकी मीटिंग चल रही है किसी के साथ। आप लोग बैठिए ना। बैठने का टाइम नहीं हमारे पास। कौन है आप लोग? और बिना पूछे अंदर कैसे आए? हम लोग सीआईडी से, जरूरी पूछताछ करनी है। आप सर प्लीज बाहर जाएंगे? जी सर, सीआईडी को मुझसे क्या पूछताछ करनी है? मिस मेनका, आपको तो पता ही होगा कि विशेष का खून हो गया है। क्या? किसने किया विशेष का खून? शायद तुम जानती हो उसके बारे में। मुझे क्या मालूम? मालूम है आपको, आप विशेष की सेक्रेटरी थी ना? जी हाँ। सेक्रेटरी के अलावा भी कुछ और संबंध? यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं आप? जवाब दीजिए, संबंध थे या नहीं? जी हाँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम तो शादी भी कर चुके थे। मगर विशेष तो शीला के साथ रह रहा था। इनफैक्ट वो तो शीला से तलाक लेना चाहता था। उसने तो कोर्ट पे डाइवोर्स पेपर्स भी फाइल कर दिए हैं। जब तक तलाक नहीं मिल जाता, वो नहीं चाहता था कि लोगों के सामने इशू क्रिएट हो। मुझे पता है कि शीला ने ही उसका खून किया है। ये भी तो हो सकता है कि खून आपने किया है और शीला पे इल्जाम लगा रही हैं आप। नहीं सर, सर मैं क्यों विशेष का खून करूंगी? मैं तो विशेष से बहुत प्यार करती। इनफैक्ट शीला ने तो धमकी भी दी थी कि वो हम दोनों को मार डालेंगी। विशेष को तो मार ही चुकी है, लगता है मुझे भी मार डालेंगी। वाकई ये खून शीला ने किया है? बताओ शीला, तुम्हारे पति विशेष ने मेनका के साथ छुपकर शादी की, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई हमें? राहुल बच्चों, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ प्लीज। जल्दी बताओ सर, विशेष मुझ पर और मेरे बच्चों पर कह ढाता रहता था और हम लोग उसे सहन करते रहते थे। भी आपने उसका खून कर दिया? मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ मत बोलिए शीला जी, जब खून हुआ बिल्डिंग के सारे लोग पार्टी में थे सिवाय आपके। बिल्डिंग के लोग पार्टी मना रहे थे और आप विशेष का खून कर रही थी। सर मेरा यकीन मानिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। आपने तो धमकी भी दी थी ना विशेष और मेनका को मारने की? दी थी धमकी, लेकिन सर वो सिर्फ धमकी ही थी, क्योंकि खून करके अगर मैं जेल चली जाती तो मेरे बच्चों को कौन संभालता सर? इसलिए धमकी के सिवा मैं कुछ और नहीं कर सकती थी सर। तुम कह रहे हो कि तुमने विशेष को नहीं मारा, मेनका कह रही है कि उसने भी विशेष का खून नहीं किया, ना बाहर से किसी ने आकर उसका खून कर दिया, तो फिर क्या विशेष ने अपने आप को चाकू मार लिया? चलिए आगे बड़ा घाव है, लगता किसी भारी चीज से मारा है। ये देखो, किसी से मारा होगा सर, वहां टूटा हुआ है। हाँ तो फिल्टर सर के पीछे छोटा सा घाव है सर। क्या बता सकती है विपुल जी को किसने मारा होगा? पता नहीं सर, हम लोग तो यहाँ थे ही नहीं, हम बाहर गए थे।
अभी आके देखो तो ये। इतिहास की किताब? लेकिन इतिहास के टुकड़े उठा लो। सब तेरे बॉडी के पास ये इतिहास की किताब मिली है सर। हिस्ट्री की किताब? हिस्ट्री की किताब सोनिया की है। ये सोनिया कौन है? सर वो मेरी दोस्त है, मैं पढ़ने के लिए लाई थी उससे ये किताब। मगर ये किताब यहाँ पे कैसे आई? तो मेरे कमरे में थी। तुम्हारे डैडी को इतिहास पढ़ने का शौक था? नहीं सर, वो कभी इस तरह की किताब नहीं पढ़ते थे। तो फिर ये किताब तुम्हारे कमरे में से यहाँ पर कैसे आई? पूर्वी सोनिया को लेकर आओ, जाओ जरा। सर ये वास मिला था, कोने में पड़ा हुआ था और इस पे खून लगा हुआ है। सोनिया सोनिया ये हिस्ट्री की किताब तुम्हारी है? ये तुम्हारी किताब हमें विपुल जी के लाश की यहाँ मिली। क्या तुम किताब वापस मांगने आई थी? सर आज मैं स्कूल गई थी, अभी अभी आई हूँ, और आज तुम इनके घर आई ही नहीं। आज तुम इनके घर आई नहीं थी? नहीं सर। तो फिर सर यहाँ पे और कौन आया होगा? दया मुझे तो लगता है ये काम किसी जान पहचान वाले आदमी का ही है। कोई तो दरवाजे पर आया होगा, विपुल ने दरवाजा खोला और खूनी ने लोहे का वास उठाया और इसके सिर पे तब तक मारता रहा जब तक ये विपुल मर नहीं। दया मुझे तो लगता है इस हिस्ट्री की किताब का बहाना बना कर ही विपुल का खून किया गया। तो रजिस्टर में एंट्री के हिसाब से कोई भी बाहर का आदमी बिल्डिंग में नहीं आया सर, और ना कोई बिल्डिंग का आदमी बाहर गया है। अभिजीत मुझे तो लगता है ये खूनी उसी बिल्डिंग में रहने वाला है, बस खून कर दिया और वहीं के वहीं अपने घर में जाकर के चुप गया। सर विपुल जिस फ्लैट में रहता है, हो सकता है ये खूनी उसके आसपास के फ्लैट में रहता। और ये इतिहास की किताब बता रही है कि वो कोई पढ़ने लिखने वाला कॉलेज स्टूडेंट है। कॉलेज स्टूडेंट? ये कोई कॉलेज स्टूडेंट है ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है ये कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। हाँ सर ये कोई बड़ा आदमी ही है सर, हम लोगों को गुमराह करने के लिए किताब लाश के पास फेंक दी। मगर एक बात तो पक्की है सर, वो जो कोई भी है विपुल उसे जानता था। मगर दया ये किताब अजय की बेटी सोनिया की है और सोनिया खुद तो गई नहीं किताब मांगने के लिए, तो फिर सोनिया के अलावा और कौन हो सकता है जो किताब मांगने के लिए जाएगा? और कौन हो सकता है? साळुंखे? हाँ साळुंखे बोल। इस आदमी के शरीर का एक एक घाव अपनी कहानी कह रहा है। आपके लैब में अभी तक मुर्दे बोलते थे, अब घाव भी बोलने लगे। देखो ये घाव क्या कह रहा है। सामने की हड्डी बहुत बुरी तरह से टूट गई है, बहुत जोर से मारा है। जी हाँ, और उसके बाद खूनी ने सर के पीछे भी दबा के वार किया है, सर की पिछली हड्डी भी टूट गई है। फिर भी सर खूनी भागा नहीं वहां से। बीच को बोला? नहीं सर। यहीं खड़े रहो। तो मैं अभी बताता हूँ, यहीं खड़े रहो। तुम यहीं खड़े सर, तुम बीच में मत बोलो। विवेक यहाँ आओ। सर आप दूर से बता सकते हैं? काम यहाँ सर। इधर आओ। काम काम सर। यहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप। यस सर। ये देखो जैसे ही पहला वार सर पर पड़ा और ये दूसरा, उन्हीं उसे तब तक मारता रहा जब तक वो बेचारा मर नहीं गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, किल किल किल। इसकी तो पूरे शरीर पे चोट ही चोट लगी हुई है। बहुत जबरदस्त चोट लगी है इसे। इसका लिवर, स्प्लीन, अंतड़ियां सब बुरी तरह से फट गए। वही वैश्यपन जो इस विशेष के मारने में था। विशेष और इस आदमी का खूनी एक ही है बस। सिर्फ हथियार अलग है,
बाकी सर गुस्सा वही, नफरत वही। ये घाव, ये एक्सरे, ये सब देख करके मैं मन ही मन खूनी की एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा। कभी कभी मुझे लगता है कि खूनी बहुत ही गुस्से वाला है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाया, लेकिन फिर दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि ये सब ड्रामा है, सुन के सब ड्रामा है। ये खूनी कोई पागल वागल नहीं, उसने इन दोनों को इतनी बेरहमी से सिर्फ इसलिए मारा है ये किसी भी तरह जिंदा न बचे, हमेशा हमेशा के लिए इनका मुंह बंद रहे, बस दैट्स ऑल। शीला, हम हर तरीके से जांच कर चुके हैं, बिल्डिंग में जितने भी लोग रहे थे सबसे पूछताछ की है, पता चला है कि विशेष का खून करके किसी को भी फायदा नहीं, और अगर फायदा है तो सिर्फ तुम्हें। सर मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, मैंने विशेष का खून नहीं किया है। हो सकता है किसी से कराया हो, विशेष से छुटकारा पाना चाहती थी ना तुम, ऐसे गुस्सा बहुत आता है तुम्हें, है ना? हाँ या ना? और इस गुस्से में ही तुमने विशेष और विपुल को मार दिया, क्यों? सर सच्चाई यही है कि मैंने किसी का खून नहीं किया। सर जब भी कोई किसी बच्चे को धमकाता है तो इनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हाँ फ्रेडी, वो इसलिए क्योंकि शीला को उसका अतीत याद आता है, क्यों शीला, है ना? शीला जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे पिताजी तुम्हें डराते थे, धमकाते थे, तब एक एनजीओ ने तुम्हें उनके चंगुल से बचा दिया, एक परिवार ने तुम्हें गोद ले लिया, ये सारी बातें सच है। मेरी इस बीमारी के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? इस बीमारी के बारे में तो मेरे मम्मी डैडी जानते थे और उनके अलावा कोई नहीं जानता था। हमने सब पता लगा लिया शीला, बस अब सिर्फ तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहते हैं हम। बताओ क्यों मारा और कैसे मारा तुमने विशेष को, बताओ जल्दी। सर मेरे पास मेरी सफाई देने के लिए और कुछ भी नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ। मम्मी मम्मा प्लीज, मम्मा मत रोइए, ये लीजिए पानी। मुझे लगता है शीला सच कह रही है, विशेष का खून शीला ने नहीं किया है। लेट्स गो। हुआ, सब लोग चुप क्यों हैं? सांप सूंघ लिया क्या? सर वो आपने अचानक सर्टिफिकेट दे दिया शीला को कि वो बेगुनाह है, तो सब लोग कंफ्यूज हैं। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूरी मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा, शीला ने खून किया नहीं है। क्यों सर, शीला ये खून क्यों नहीं कर सकती? तुम लोगों ने शीला को पानी पीते हुए देखा है ना उसके ही घर में? क्या तू ध्यान में आया? हाँ सर, पहले उसने ग्लास दाएं हाथ में पकड़ा था, बाद में उसने हाथ बदल के बाएं हाथ में लिया और पानी पिया। Exactly. शीला को आर्थराइटिस की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी। तो जो और ठीक तरह से पानी का ग्लास अपने हाथ में नहीं पकड़ सकती दाहिने हाथ में, वो दाहिने हाथ में चाकू लेकर वार कैसे कर सकती है? और तो विशेष के शरीर पर जो चाकू के घाव है वो दाहिने हाथ से किए हुए घाव है। तो फिर खूनी और कौन हो सकता है सर? निखिल, शीला को और भी एक बीमारी है, गुस्से की बीमारी, और उसने हमें बताया कि उस गुस्से की बीमारी के बारे में उसके डैडी और मम्मी के अलावा और कोई भी नहीं जानता। हाँ सर। इसका मतलब है खूनी वही है
जो शीला की इस गुस्से की बीमारी के बारे में जानता है, गुस्से की बीमारी के बारे में। मतलब खून करे कोई और फंसे शीला। शीला के डॉक्टर से जाकर मिलते हैं। डॉक्टर से बात कर रही हूँ। सर अभी तो पॉसिबल नहीं है, लोग एक घंटे से लाइन लगा कर बैठे हुए हैं सर। पता है हमें, बस जल्दी से बात करके निकल जाएंगे। समझा दो इन लोगों को। समझने वाले नहीं ये लोग सर, अपॉइंटमेंट लेकर आए। ये लोग समझेंगे लेकिन लगता है तुम नहीं समझोगे। सीआईडी के काम में रुकावट ला रहे हो तुम। क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसा हंगामा है ये? सीआईडी से। सीआईडी? सर आप लोग अंदर आइए। माफ करना, आप इनके बाद आ जाइए। देखिए मैम, हमें थोड़ी जानकारी चाहिए आपकी पुरानी मरीज शीला के बारे में। शीला? हाँ शीला, ये है शीला, पहचान दिया ना आप इसे? हाँ सर पहचान गई, ये तो बहुत ही सीरियस केस था, पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि जिस बिल्डिंग में ये शीला रहती है उस बिल्डिंग में दो दो खून हुए। ओह माई गॉड, शीला ने खून किया है? जी नहीं, ये तो बताने की शीला ने ये खून किए भी है या नहीं, लेकिन जिसने भी ये खून किए हैं लगता है वो एक गुस्से का मरीज है। हाँ सर, शीला को ये बीमारी थी, गुस्से में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैंने इलाज किया था पर वो अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शीला जब आपके पास इलाज के लिए आती थी तब उसके साथ कोई और भी आता था? सर पहले तो उसके मम्मी डैडी आते थे, उनके गुजरने के बाद वो अकेली आती थी। कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं आता था उसके साथ? नहीं सर। हाँ पर हमारी रिसेप्शनिस्ट उसकी अच्छी दोस्त थी। रिसेप्शनिस्ट? जी। मगर आपके यहाँ रिसेप्शन में तो एक आदमी है। मैं पहली वाली रिसेप्शनिस्ट की बात कर रही हूँ, उसने यहाँ से काम छोड़ दिया है। तो उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह तो होगा आपके पास? जी। सुनो, हमारी पहली वाली रिसेप्शनिस्ट की रिकॉर्ड फाइल लेकर आओ। ओहो, आप लोग? जी। कुछ पता चला सर कि खूनी कौन है? हाँ पता चल गया, और इतनी अच्छी खबर जितनी जल्दी हम तुम्हें दे उतना ही अच्छा है ना? जी जी सर, मतलब खूनी पकड़ा गया। वैसे बता दीजिए खूनी कौन है सर? खून तुमने किया है? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया है। खून तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? सर मुझे क्या मालूम खून किसने किया है, मगर हमें मालूम है ये खून इन्होंने किया, रितु ने। उर्वी अरेस्ट करो इसे। सर आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मेरी माँ किसी का खून नहीं कर सकती। आज तक इन्होंने एक कीड़े को नहीं मारा है, तो फिर ये किसी इंसान का खून कैसे कर सकती है? जहाँ पर शीला का इलाज हुआ वहाँ पर रितु तुम रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी ना? जी हाँ। तुम्हें शीला की बीमारी के बारे में सब कुछ मालूम था ना? हाँ, लेकिन किसी की बीमारी के बारे में मालूम होना कोई गुनाह तो नहीं है ना? हाँ, मगर बीमारी का फायदा उठाकर किसी का खून करना ये गुनाह है। लेकिन सर कोई किसी की बीमारी का फायदा उठाकर भला खून कैसे कर सकता है? इन्हीं से पूछो, अपनी पत्नी से। सब मालूम है इसे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। जरा इनसे प्यार से पूछो। देखो हमें सब पता चल गया है, अब बात छुपा के कोई फायदा नहीं। विपुल और विशेष का खून तुमने ही किया है ना? जी हाँ, मैंने ही किया। मम्मी इन लोगों से डर के तो ये सब नहीं बोल रही है। नहीं, ये खून मैंने ही किया है। नहीं सर, रितु झूठ बोल रही है, खून मैंने किया है। सच्चाई तो यह है कि उस पार्टी वाली रात को विशेष का खून मैंने ही किया था। क्यों किया खून तुमने विशेष का? किसी ने मुझे पैसे दिए थे
किसने दिए थे पैसे? मेरी बहन ने। ये हो क्या रहा है? पत्नी कह रही है कि खून उसने किया, पति कह रहा है कि खून मैंने किया, तो फिर अब ये बीच में बहन कहां से आ गई? है कौन ये बहन तुम्हारी? दिल में आग लगी हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। उतरो नीचे, नीचे उतरो। चलो। ये क्या तरीका है सर? इज्जतदार लोगों से इस तरह व्यवहार किया जाता है? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इधर उधर देखने का टाइम खत्म हो गया मेनका जी, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा क्यों मारा विशेष और विपुल को। मैंने कहा मारा है? ये तो अजय ऋतु ने मारा है ना, आप इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? बोलो, तुम दोनों बोलते क्यों नहीं? इन्हें जो बोलना था वो बोल के मौन व्रत रख लिया है, अब जो कुछ बोलना है वो तुम्हें बोलना है। ओ, तो आप जबरदस्ती हाँ करवाना चाहते हैं? हुँ? अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे ना तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। मैंने ही करा है दोनों के खून, मैंने ही। क्यों क्यों करा है खून? हाँ, क्योंकि मैं अमीर बनना चाहती थी। अच्छा, तो जरा बता दोनों का खून करके कैसे अमीर बन जाती? विशेष के पास बहुत पैसा था और वो पैसा मुझे चाहिए था, इसलिए अजय ने और मैंने मिलकर प्लान बनाया। सर, मैंने ही मेनका से कहा था कि विशेष के साथ प्यार का नाटक करके उससे शादी कर ले, अब उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। वाह, तो मेनका जी, विशेष के साथ शादी करके तुमने सारी जायदाद पा ली? तो फिर मारा क्यों उसे, जबकि तुम्हें उसकी सारी जायदाद मिल गई? तो उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था। मुझे रितु ने बताया था कि शीला को गुस्से की बीमारी है, गुस्से में जब आ जाती तो किसी का खून भी कर सकती है, और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उस पार्टी वाली रात को भी बताया
तो तुम्हें भी इस दुनिया से ऊपर पहुंचा दूंगा मैं, और तुम्हारे मम्मी डैडी को भी जान से मार दूंगा, समझे? तुम लोगों ने तो पूरी तैयारी की थी शीला पर इल्जाम लगाने की, मगर विपुल को क्यों मारा? क्योंकि हम आप लोगों का ध्यान हटाना चाहते थे। तुम दोनों भाई बहन अगर अमीर ही बनना चाहते थे तो खूब मेहनत कर पैसा कमाते, लेकिन नहीं, जिस तरीके से तुमने अमीर बनने की कोशिश की, दो दो खून किए, तुम दोनों को तो फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।